स्मार्ट नौकरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि EWS का सर्टिफिकेट आप 2 से 3 दिन में कैसे बना सकते हैं। आसानी से 2 से 3 दिन बन जाएगा जो मैं बताने वाला हूं, लेकिन इसके साथ मैं बताऊंगा कि EWS बनवाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बनवाने के बाद क्या 2020 में वाकई में कट ऑफ में लाभ मिलेगा, मतलब कि 10% का रिजर्वेशन EWS में आता है तो क्या 10% का जो लाभ है मिलेगा, यानी जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ जाता है क्या इससे कम रहेगा या ज़्यादा रह सकता है, 2019 में क्या था और 20 में क्या रहने वाला है, ये आपको थोड़ा सा आपका गलतफहमी दूर करने वाला हूँ EWS के लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चाहते हैं इसके रिलेटेड अपडेट्स, नीट के रिलेटेड अपडेट्स, तो सब्सक्राइब करें चैनल को। फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं, इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर EWS है क्या। EWS है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के लिए है। ये एक जनरल कैटेगरी में आता है जो जिसका पूरा फैमिली का इनकम 8 लाख से बिलो है, 8 लाख से कम है, जिसका फैमिली का इनकम, फैमिली इनकम मतलब आपका इनकम आ गया, आपके फादर मदर का, आपके भाई का, आपके फैमिली में जितना भी इनकम है सबको मिलाकर यानी 8 लाख से कम है, तो ये आप बनवा सकते हैं। आपको बनवाने के लिए क्या क्या चाहिए मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले कैसे बनवाते हैं वो जान लेते हैं, फिर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये आप जो दिख रहे हैं स्क्रीन पे EWS का एक्चुअली सर्टिफिकेट, इसी पे बनता है मोहर और लगता है। तो आपको दो प्रोसेस है, एक ऑनलाइन बनवा सकते हैं और एक ऑफलाइन। ऑनलाइन का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। आपको अगर 2 से 3 दिन में बनवाने हैं तो ऑफलाइन आप बनवाएं, आपके घर के आसपास या आपके एरिया में, आपके जिला डिस्ट्रिक्ट जो भी है उसमें ब्लॉक हो या जहाँ भी नियर अमाउंट, नियर जो आपका सेंटर है आप वहाँ पे जाना है आपको, ठीक है। जहाँ पे जो भी गवर्नमेंशियल कामकाज होता है आपको वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है कि EWS का पता करना है कि कहाँ पे बनता है। वहाँ पे जाने के बाद हर एक सेंटर पे एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स, क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं बनवा सकते। डायरेक्ट बनवाने के लिए आपको टाइम भी लगेगा, पैसे भी लग जाएगा, टाइम तो बहुत लग जाएगा, जल्दी नहीं बनेगा, परेशान आप होंगे। आपको एजेंट के माध्यम से बनवाना है, एजेंट्स आपसे जितना चार्ज करेगा 200 से लेकर 500 जो भी चार्ज करे, एजेंट से बनवाना है। एजेंट आपसे क्या लेगा, आधार कार्ड लेगा, पैन कार्ड लेगा, और आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, ये तो मस्ट है, इनकम सर्टिफिकेट। अगर आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड तो होगा सबके पास, इनकम सर्टिफिकेट नहीं होता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो एजेंट है वही आपका इनकम सर्टिफिकेट बनवाएगा और वही EWS सर्टिफिकेट बनवाएगा, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट होने के बाद EWS का सर्टिफिकेट बनता है। ये जो आप पेज देख रहे हैं ना, इसी पे आप यही आप इसी को सेम चीज़ इसी को दो पेज आपको फिल करना हो इसी को, और इसी पे आपको फ़ोटो चिपकाना है, और यहीं पे ब्लॉक जो भी मोहर लगेगा सिग्नेचर होगा, होता है यहीं पे, ठीक है, यहीं पे सिग्नेचर होगा, और जो भी इसका मतलब जो बनवाता है डायरेक्टर जो भी है उसका सिग्नेचर मोहर, ऑफिस का मोहर लगेगा, और यहीं सेम सर्टिफिकेट आपको इशू हो जाएगा। तो एजेंट से बनवाएं, 2 दिन में वो मैक्सिमम, जैसे आज देते हैं तो एजेंट कल तक आपको जरूर बनवा के दे देगा या परसों तक बना के दे देगा, मतलब 2 से 3 दिन में एजेंट बनवा देगा, आपको पैसा ज़्यादा नहीं लगेगा, एजेंट जो अपना चार्ज करें, तो एजेंट से बनवाएं, ठीक है, और ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऑनलाइन बनवाने में ज़्यादा प्रोसेस लगता है, और डायरेक्ट अगर आप अप्रोच करते हैं बनवाने के लिए उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। एजेंट पकड़े और एजेंट से बात करें, डायरेक्ट बन जाएगा 2 से 3 दिन में। अब बात करते हैं कि क्या बनवाने के बाद EWS का कट ऑफ कम जाएगा या ज़्यादा रहेगा। तो देखिए फ्रेंड, 2019 में ऑल इंडिया कोटा का यानी 15% की बात करते हैं, तो ऑल इंडिया कोटा 15% का मैं आपको थोड़ा सा कट ऑफ दिखाता हूँ 2019, फिर स्टेट कोटा बात करेंगे। आपके स्क्रीन पर फ्रेंड दिखाई जो दे रहा है ऑल इंडिया राउंड सेकेंड अलॉटमेंट कट ऑफ 2019 MBBS का, तो यहाँ पे देखें जनरल का 582 किया हुआ है, लेकिन EWS का 586 किया हुआ, यानी जनरल से 5 नंबर 4 नंबर ज़्यादा EWS गया हुआ है, ठीक है फ्रेंड, सेकेंड राउंड 15%, ठीक है, ये तो 15% का बता दिया। लेकिन स्टेट कोटा में, मैक्सिमम स्टेट में इसका फ़ायदा मिला हुआ है इस साल 2019 में, EWS का फ़ायदा मिला है मैक्सिमम स्टेट में जनरल से 10 से 15 मार्क्स कम गया है EWS का, यानी स्टेट में EWS का फ़ायदा मिला हुआ है 2019 में। लेकिन फ्रेंड ज़रा सा आप सोचें कि इस साल 2019 में मैक्सिमम स्टूडेंट के पास
EWS सर्टिफिकेट नहीं था। अब इस बार बहुत सारे स्टूडेंट बनवा लिया था, तो मैं ये नहीं कहता कि 2020 में कम जाएगा या ज़्यादा जाएगा, बस मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ने EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया और उस कैटेगरी के लिए नीट में अप्लाई कर दिया, तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि जनरल कैटेगरी से ज़्यादा कट ऑफ जा सकता है EWS में, क्योंकि जनरल कैटेगरी में 50% रिजर्वेशन है और EWS में 10%, तो ज़्यादा जा सकता है ज़्यादा स्टूडेंट अगर EWS के लिए अप्लाई कर दिया तो, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि और EWS में अगर एक बार अप्लाई करते हैं तो जनरल का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे, नहीं मिलता है, ठीक है। तो फ्रेंड आप थोड़ा सा सोच कर इसमें आप फॉर्म को फिलअप करें, आप ज़्यादा परेशान ना हो कि अगर आपके पास है तो फिलअप करें, आप ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है कि नहीं मुझे EWS चाहिए ही चाहिए और EWS को लेकर मैं बनाऊंगा फॉर्म को फिलअप करूँगा तो फिलअप करूँगा। फ्रेंड ऐसा नहीं है कि EWS में इस बार कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को कुछ ही स्टेट में मिला है, हो सकता है 2020 में भी कट ऑफ डाउन जाए स्टेट में, 15% में तो डाउन नहीं जाएगा, कट ऑफ EWS का जनरल ज़्यादा ही जाएगा, स्टेट में आपको फ़ायदा मिल भी सकता है या हो सकता है कि जनरल का और EWS का लगभग सेम ही कट ऑफ चले। तो फ्रेंड ज़्यादा परेशान नहीं होना है, मैंने आपको सभी पॉइंट्स पे आपको मैंने बता दिया, इस पे सोच कर आपको फॉर्म फिलअप करें, ठीक है। मेरा काम था कि जो भी था नेगेटिव पॉजिटिव थिंक मैंने आपको बता दिया, अब आपका ड्यूटी है कि इस पे सोचना विचार करना, अपने टीचर्स से राय लेना, अपने पेरेंट्स से इस पे राय लेकर आप फॉर्म को फिलअप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।